नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस रैली के दौरान हंगामा हो गया। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों का एक गुट लाल किला पहुंच गया और वहां अपना झंडा फहरा दिया, जबकि उससे पहले दिल्ली के ITO पर किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई। दिल्ली पुलिस का दावा था कि ट्रैक्टर परेड में शामिल प्रदर्शनकारियों ने तय रूट का पालन नहीं किया, इसकी वजह से अव्यवस्था फैल गई। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मामले में दो किसान नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के दौरान तय रूट का उल्लंघन करने के लिए दो किसान नेताओं, आजाद किसान समिति के अध्यक्ष हरपाल संघ और भारतीय किसान यूनियन के सुरजीत सिंह फूल को निलंबित कर दिया है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो इस आरोप की जांच करेगा। हरपाल सिंह ने अपने निलंबन की पुष्टि की है। असल में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकाली। इस दौरान आंदोलनकारी किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। बैरिकेड हटाने और इस परेड के दौरान निर्धारित रास्तों का पालन न करने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 86 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिनमें से 45 को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा था। DTC की 8 बसों 17 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। किसानों की ट्रैक्टर रैली में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल थे। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को UP, पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी की थी। दिल्ली पुलिस ने ये छापेमारी ऐसे समय में की जब 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो से पता चलता है कि लाल किले पर पहुंचे प्रदर्शनकारी गेट तोड़ने की बात कर रहे हैं। वीडियो से पता चलता है कि उपद्रवी मारने पीटने की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।